नमस्कार। हैदराबाद शहर में दो दिन पहले 22 जनवरी के रात में कालापत्थर पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज हुआ, जिसमें कि एक बुंदेला जो कि उज्जैन के रहने वाले हैं और किसी काम से हैदराबाद आए थे और उसके बाद चरलापल्ली जेल में, जहां इनके एक रिलेटिव अंदर जेल में है, उनसे मिलने के लिए, मुलाकात के लिए जेल में गए। मुलाकात के वक्त कुछ लोगों ने इनसे दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद इनके बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट की, और जब मुलाकात हो गया उसके बाद जब ये वापस जा रहे थे तो उसमें से दो आदमी ने इनको कहा कि ये एयरपोर्ट उनको छोड़ देंगे आधे रास्ते तक, और वहाँ से जाने के बाद वो ओला कैब लेकर शमशाबाद एयरपोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने, दीपंजय बुंदेला ने देखा कि ये लोग एक ऐसे जगह ले गए जहाँ पे बिल्कुल सुनसान रास्ता बंद है आगे, और वहाँ पे पहले से 4-5 लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और ये पूरे 7 लोग मिलकर रॉबरी, इनसे पूरा इनका पूरा सामान छीन लिए, सेलफोन, कैश, जो भी चीज़ था, एटीएम कार्ड, और उसके बाद इनको मारपीट करके किसी तरीके से ये अपना जान बचाकर वहाँ से भागे। वहाँ से भागने के बाद ये डायरेक्ट ऑटो लेकर एक पुलिस स्टेशन में आए जो कि कालापत्थर पुलिस स्टेशन था। हैदराबाद शहर में डकैती एक बहुत सेंसेशनल चीज़ मानते हैं हम लोग, और हैदराबाद पुलिस का एक रिकॉर्ड है कि हम लोग जीरो टॉलरेंस फॉर ग्रेव क्राइम लाइक डकैती। हमारे ACP अंजैया, SHO साहब, DCP अंबर, सभी लोग पूरे काम में लग गए केस को डिटेक्ट करने के लिए। हम भी पुलिस स्टेशन विजिट किए, और हमारे विजिट करने के समय ये जो विक्टिम है उस समय पुलिस स्टेशन में थे, तो इनसे करीब 1-1.5 घंटे हम भी बात किए, पूरे केस का डिस्क्रिप्शन लिए कि कैसे हुआ, क्या हुआ, और जो इसमें क्रिमिनल जिसका इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में पूरी जानकारी लिए। तो उससे पता चला कि ये जो 7 मेंबर गैंग है, ये ऑलरेडी चरलापल्ली में एक इनका दूसरा क्रिमिनल, नोटोरियस क्रिमिनल है आफरोज, उससे मिलने गए थे ये, और आफरोज और उसका साथ ही एक है मोहम्मद नवाज, ये दोनों से मिलने गए थे, और जो कि मुलाकात रजिस्टर में इन लोग का नाम था। उस वहीं से इंफॉर्मेशन मिला, आपको जानकारी होगी कि ये आफरोज खान और मोहम्मद नवाज, ये लोग क्राइम नंबर 939 ऑफ 2018 मर्डर केस है मैलार देवपल्ली साइबराबाद का, उसमें ये लोग चरलापल्ली जेल में हैं। उसके बाद से हम लोग केस को डिटेक्ट करने के लिए साउथ जोन की पूरी फोर्स, टास्क फोर्स, सभी लोग लग गए, और हम लोग टेक्निकल इनपुट, लोकल एविडेंस, विक्टिम के बयानात, CCTV कैमरा, सब मिलाकर एक पूरा रिक्रिएशन ऑफ सीन ऑफ क्राइम किया गया, और पूरे क्राइम को जब मिनट टू मिनट कैसे हुआ इसको रिक्रिएट करने पे धीरे धीरे पूरा पिक्चर साफ हो गया। और उसके बाद हम लोग को जैसा इंफॉर्मेशन आया उसके तहत हमारे SHO कनकैया और DI विक्रम सिंह, SI महेंद्र रेड्डी, कांस्टेबल ऑफिसर शंकर, महेश, मल्लिकार्जुन, विनय, प्रनीत, ये लोग सब ACP अंजैया के साथ मिलकर, और DCP अंबर किशोर झा के नेतृत्व में, और उसके बाद एडिशनल DCP साउथ रफीक के साथ मिलकर ये पूरा केस को डिटेक्ट किए, जिसमें टास्क फोर्स का भी बहुत क्रूशियल रोल रहा। ये पूरे क्रिमिनल्स का डिटेल इस प्रकार है। A1 सैयद यूनुस, सन ऑफ सैयद इस्माइल, अंसारी रोड ताड़बान कालापत्थर का रहने वाला है। A2 सैयद जैनुल आबदीन, सैयद अब्जुल रजाक का लड़का है, और ये जीवन लाल मिल्स ताड़बन का रहने वाला कालापत्थर। A3 मोहम्मद नदीम कुरैशी, शालीन कॉलोनी फलकनुमा का रहने वाला है। मीर मोअज़्ज़म अली, ये स्टूडेंट है ताड़बन कालापत्थर का रहने वाला है। मोहम्मद खलीलुद्दीन, सन ऑफ मोहम्मद फसीउद्दीन, शालीन कॉलोनी फलकनुमा का रहने वाला है। मोहम्मद इब्राहिम, सन ऑफ मोहम्मद हफीजुद्दीन, 15 किंग्स कॉलोनी मैलार देवपल्ली का रहने वाला है। और A7 मोहम्मद अली कुरैशी,
ये एनएस कुंटा हैदराबाद का रहने वाला है। आपको एक चीज की और मैं जानकारी देना चाहता हूं, इस पूरे क्रिमिनल गैंग में, सेवन मेंबर्स क्रिमिनल गैंग में, A1 सैयद यूनुस, ये पीडी एक्ट में पहले 2015-16 में जेल में रह चुका है। इसके बाद A5 मोहम्मद खलीलुद्दीन, ये भी 2015-16 में जेल में रह चुका है। मोहम्मद इब्राहिम A6, ये भी 2015-16 में जेल में रह चुका है। ये लोग तीनों एक चौथे क्रिमिनल मोहम्मद मुकर्रम के साथ मिलकर बहुत क्राइम किए, जिसमें कि शमशाबाद पुलिस स्टेशन का क्राइम नंबर 113/2014, फिर शमशाबाद में एक दूसरा केस है 129/2015, और कंचनबाग का एक केस है 111/2015। तो इस पूरे एक्टिविटीज में हमारे जो ऑफिसर्स बहुत अच्छा मेहनत किए, उन सबों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और ऐसे मौके पे पब्लिक से एक अपील करना चाहता हूं कि दोस्तों, हैदराबाद शहर हिंदुस्तान का सबसे सेफ और सबसे पीसफुल शहर है। यहाँ क्राइम सभी बड़े शहरों के कंपैरिजन में सबसे कम है। इस शहर को और बेहतर बनाने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने लेवल पे नैनू सैतम कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगाएं, और जिससे कि हम लोग हैदराबाद को और बेहतर शहर बनाएं। इससे हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, हैदराबाद में वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा होगा, वेल्थ क्रिएशन होने से बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी, आपके बच्चों को बड़ी बड़ी रोजगार मिलेगी, अच्छी जॉब्स मिलेंगी। तो इस सब में पुलिस और पब्लिक और मीडिया, ये तीनों मिलकर एक पार्टनरशिप के तहत काम करेंगे, जिससे कि हैदराबाद को दुनिया के बेहतर से बेहतर शहरों में एक गिना जाए, ऐसा हम लोग मूवमेंट रखेंगे। ऐसे मौके पे मैं उन क्रिमिनल से भी अपील करता हूं जो इसके पहले पीडी एक्ट में अरेस्ट हुए हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि वो एक आम आदमी कॉमन पब्लिक के तरह आकर जीवन यापन करें, पुलिस की तरफ से उनको सब मदद मिलेगी। लेकिन अगर वो अपने क्राइम के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे तो उनके साथ बहुत सख्ती से कार्रवाई भी होगी। वी विल बी वेरी फर्म अगेंस्ट देम एंड सच काइंड ऑफ क्रिमिनल्स वी विल सेंड देम अगेन टू जेल अंडर पीडी एक्ट। इसीलिए पब्लिक से मैं अपील करता हूं कि अगर कोई एक्सटॉर्शन, कोई बदमाशी, राउडिज्म, अगर उसका कंप्लेन आपको मिल रहा है तो आप डायल 100 में फोन करें। आपकी सुविधा के लिए, आवाम पब्लिक की सुविधा के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी है हम लोगों का, जिसका नंबर है 9490616555, 9490616555। ये 24 आवर्स अवेलेबल है आपके लिए। आप इस पे कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए, उस पर हम लोग एक्ट करेंगे। इमरजेंसी का अगर कुछ सिचुएशन है तो डायल 100 आपके लिए 8 से 10 मिनट के अंदर आप जहां भी हैं हैदराबाद में, हमारी गाड़ी आपके मदद के लिए पहुंच जाएगी। जो पेट्रोलिंग सिस्टम है हमारा 24/7, हम लोगों को उसके ऊपर बहुत फक्र है। वो सब आपके सर्विस के लिए है, आप उस सर्विस को यूज करें। डायल 100 से कभी भी हेजिटेट नहीं करें फोन करने के लिए। और हम लोग खास करके आने वाले कुछ समय में जो पुराने गैंग फाइल्स हैं वो सब का रिव्यू करेंगे। पुराने जितने शातिर क्रिमिनल हैं सबके ऊपर कड़ी निगाह रखी जाएगी, और ऐसे जो भी लोग हैं जिनके एक्टिविटीज डाउटफुल है उसके अगेंस्ट हम लोग एक्शन लेंगे। नाइट के वक्त ऑपरेशन चबूतरा आपके सर्विस के लिए है। नाइट के वक्त कुछ लोग जो इधर उधर घूमते रहते हैं, परेशान करते हैं लोगों को, उनको भी मैं वार्निंग देता हूं कि आप लोग बिना किसी काम के लोगों को परेशान करने के मोटिव से इधर उधर नहीं घूमें। और उनके पेरेंट्स से अपील करता हूं कि अगर आपको कोई परेशानी है तो आप जो लोकल सेक्टर SI हैं उनको बताएं, वो आपके दोस्त हैं, वो आपके गार्जियन हैं, वो आपके हितैषी हैं, आपके लिए ज़रूर मदद करेंगे। हम लोग सब मिलजुल कर हैदराबाद को एक बेहतर शहर बनाएंगे, यही हमारी आपसे गुजारिश है। थैंक यू।